हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी है आज थर्सडे और हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट। और हम क्यों जा रहे हैं मैं वो बताऊंगी आपको वहां से पहुंचने पे। मिलते हैं मुंबई एयरपोर्ट में। हाउ मच? 10 kgs। अभी हम पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्यों मुंबई एयरपोर्ट में हैं। क्योंकि हालत बहुत ख़राब है इस समय। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर होम टाउन। सो अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम है फॉर 1 month। सो उसके बाद देखेंगे मुंबई की हालत जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली विल प्लान। सो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट मंगा लिया, आप देख सकते हैं। और शैंकी वेट कर रहा है कि कब मेरा ये ब्लॉग कम्प्लीट होगा और कब वो ये ब्रेकफास्ट खाएगा। तो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, मैं फिर आपको अपना स्टेटस अपडेट करते रहूँगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ब्लॉग करते रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. तो अभी हमारा गेट चेंज हो गया और हम सब भाग रहे हैं। या भीड़ देख सकते हैं, ये भी भाग रही है गेट की तरफ को। सो हम भी भागते हैं गेट की तरफ को। कौन सी बेल्ट है? बेल्ट नंबर 3 पे हमें जाना है। ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? इस बेल्ट पे बैठ जाओ, यहाँ से पहुँच जाओगे तुम बैठे बैठे। चलो ये देख, लाल कलर वाला अपना है के? चेक कर ले, किसी और का मत उठा लेना भाई। तू एक्साइटमेंट में जाके उठा तो सही, लपक ले, देख, भाग के जा, भाग के जा, भाग के जा। So guys, बैग हमने कलेक्ट कर लिए है और अभी हम जा रहे हैं अपनी कैब के पास। तो वहाँ से बसेस और ट्रेन सब चलती है, बट अभी कोरोना टाइम में हम प्रिफर करते हैं कैब। गाइज, अभी आपसे बात करते करते मेरी लोकेशन चेंज हो गई है। तो इसका कारण ये है कि मैं वहाँ पे एयरपोर्ट में बिना मास्क के वीडियो बना रही थी और वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझे दबोच लिया और मुझे 2,000 रुपये का फाइन कर दिया। और जैसे तैसे मैंने उसे कन्विंस कर लिया ये कहकर कि आगे चल के मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनने वाली हूँ और सब्सक्राइब भी करा दिया। अच्छा, जोक्स अपार्ट, दिल्ली में बिना मास्क के चलान है। और अभी हम लोग अपनी कैब की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है। जो कैब हमने कराई है वो हमने कराई है टाउन टू टाउन कैब सर्विस से। तो इनकी कैब्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ऑन टाइम होती है, कोई किसी भी टाइप का कोई डिले नहीं होता है। सो अगर आप लोग भी कैब प्रेफर करते हैं तो मैं इसका लिंक और इनका नाम है पवन गुप्ता, जिनसे मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो उनका नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आपको कभी भी कहीं भी कैब की ज़रूरत होगी तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और अभी हमें लगेगी 8 घंटे पहुंचने में। ऑल कनेक्शन 5 घंटे पहुँचे, तो हमें लगेंगे 5-6 घंटे पहुंचने में। बीच में ब्लॉग करते रहूँगी और आपको अपने साथ लेके चलती है अपने ससुराल। दर्शन करने आए तो ये कूड़े का पहाड़ जरूर देखें।
हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और अब हम पहुंच गए हैं गजरौला और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीकानेर वाला जहाँ से हमने लिए कुछ मिठाइयाँ और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ब्रेक लेंगे डिनर पे। तो मैं आपको मिलती हूँ डिनर पे। गाइस हम पहुंच गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट मोगा में जो गजरौला में है और जब हम हमेशा दिल्ली टू काशीपुर ट्रैवल करते थे अभी भी और पहले भी तो हम अक्सर ये रेस्टोरेंट में ही खाना खाते थे और चाहे कभी भी आना जाना हो तो हम यहीं रुकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर करिए। यहाँ का खाना, यहाँ के वॉशरूम सब कुछ बहुत अच्छा है। इसकी कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पे, 2 से 3 ब्रांचेस हैं, सभी में अच्छा खाना मिलता है, सभी को हम ट्राई कर चुके हैं। तो आप भी ट्राई करिए और मैं मिलती हूँ आपसे इसके डिनर टेबल पे। और शैंकी कैसा लग रहा है आपको मोगा में आके? मज़ा आ रहा है, अपने घर जा रहे हैं। सो हमने ऑर्डर किया है स्प्रिंग रोल्स, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चटनी तो डालो, देसी चटनी। नहीं, ये देखो अच्छा है, क्रंची है बहुत। अच्छा है, स्पाइसी नहीं है, अच्छा है बिल्कुल। बहुत क्रिस्पी है, जो आउटर लेयर है बहुत अच्छी है, मस्त है। चटनी तो ट्राई करो। थोड़ा ही डालो बस, अच्छा लगे तो दोबारा लेना। अच्छी होनी चाहिए वैसे, ग्रीन चटनी मस्त होती है यहाँ की। हाउ इज इट? बढ़िया। अभी पूछ लेंगे वो जो पीछे बैठे हैं सरदार जी, उनसे पूछ लेंगे, वही है मालिक साहब। सो हमारा डिनर आ गया है, हमने ऑर्डर करा है पनीर बटर मसाला विद बटर रोटी। तो हमारे हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, एक मिर्च का अचार, एक मिक्स अचार और कुछ प्याज। तो मैं आपको बताती हूँ कैसा है ये, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ये ऊपर टमाटर है, चेरी है? चेरी है। छोटा वाला टमाटर लग रहा है। पनीर तो बहुत सॉफ्ट है और बहुत गर्म है। मस्त है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी। फुल ऑफ बटर, फुल ऑफ बटर, फुल ऑफ क्रीम और जो पनीर है बहुत सॉफ्ट है और उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई है, ब्लेंड ऑफ क्रीमी और बटरी। तो पेट भर डिनर हो गया है, रात का सफ़र है तो एक करानी चाय तो बनती है। रुक जाओ। चीयर्स। तो गाइस जस्ट अ क्विक अपडेट, हम पहुंच गए हैं, हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद और जो हमारे होम टाउन से 60-70 किलोमीटर्स। तो हमारी सीएनजी ख़त्म हो गई और अभी हमारे ड्राइवर साहब भरवा रहे हैं सीएनजी और हम यहाँ पे खड़े हैं सुनसान गलियों में। सो ये कुछ कहना चाहते हैं शशांक खत्री, आप इनकी भी सुनिए थोड़ी। बीवी का बैग लेके खड़ा हूँ जब से बीवी ब्लॉगिंग कर रही है। तो ज़रूरी है, इनको हर व्लॉग में बीच में कुछ ना कुछ बोलना ज़रूरी होता है। देखेंगे 5 मिनट में और मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद। बाय। एक बार की बात है कि मैं दिल्ली में था, मैंने कालका जी से कैब कराई ग्रेटर नोएडा की, और दिन का टाइम था ये, तो फिर भी रात का टाइम है, रात में तो आदमी चलो एक बार नींद आ जाती खाना खाने की, वो दिन दोपहरी का टाइम, और हम मैं और मेरी वाइफ दोनों हम बैठ गए कालका जी से। अभी कालका जी से जब तक यमुना एक्सप्रेस में टच नहीं होता तब तक तो काफ़ी जाम लगता है। हाँ जी। तो सरिता भाई, सरिता विहार वाला एरिया रहता है ना वो, तो तब तक तो ड्राइवर साहब बढ़िया गाड़ी चला रहे थे क्योंकि जाम लगता है और गाड़ी में आदमी अलर्ट होकर चलाता है। हाँ जी। और जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे चढ़े तो ड्राइवर साहब की थोड़ी सी इधर उधर गाड़ी लहरने लगी हल्की हल्की, ऐसी है पीछे वाले में इसमें मिरर में देखा ड्राइवर साहब लंबी लंबी झपके ले रहे, भाई तब क्या दिक्कत होगी, नींद आ रही है? उन्होंने कहा हाँ भाई तब थोड़ी सी, मैंने एक काम करूँ गाड़ी मैं चला।
12 घंटे के ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अपने घर, और पहुंचने के बाद हमने खूब गप्पे मारी, और अभी बज रहा है 11:30 और अभी हम जा रहे हैं सोने। सो अगर आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ शायद। सो टिल देन टेक केयर।